जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी बेसर। पहले इसको अच्छी तरह से धोकर हम उसको काट लेंगे। अब मैंने भिंडी को काट दिया है, तो फिर अब सब्जी बनाते हैं। पहले मैं कढ़ाई गर्म हो गया है, मैंने तेल डाल दिया है। फिर उसके बाद हम भिंडी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालकर हम उसको थोड़ा मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक हम उसको भूनेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में ही करना है। अब भिंडी फ्राई हो रहा है, हम एक पेस्ट बनाएंगे जिसमें है सरसों, जीरा और सौंफ। उसका मैंने एक फाइन पेस्ट बना दिया है। अब उसी मिक्सर में थोड़ा सा टमाटर, दो टमाटर मैंने डाल के उसको भी पेस्ट बनाऊंगी। अब हमारा भिंडी फ्राई हो गया है, मैंने निकल दिया है। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पंचफोटन और थोड़ा सा करी लिप्स डालकर हम उसके बाद जो पेस्ट बनाए थे, सरसों का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम उसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर डालकर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और हम उसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। लो फ्लेम में ही पकाना है, फ्लेम को हाई मत कीजिए। बीच बीच में हम उसको थोड़ा मिक्स करते रहेंगे। फिर अब हमारा हो गया है, उसमें हम भिंडी डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब हम उसमें पानी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए, और अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए तो कम पानी डालिए, और थोड़ा पतला चाहिए ग्रेवी तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको कवर करके 2 मिनट तक इसे पकाना है। अब हमारा भिंडी बेसर रेडी हो गया है विथ मस्टर्ड पेस्ट के साथ। अब हम इसको एक बाउल में साफ करते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। इसे चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। प्लीज़ एक बार बनाइए, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।